भारत में मेडिकल इनक्लेव अमृतसर में। आपको क्या तकलीफ थी? मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी कब और मेरी से? जॉइंट पेन, ऑलमोस्ट कह लो मेरे प्रॉब्लम 6 months 1 year स्टिफनेस हो रही थी। पर मैंने अभी NPCC भी कराया, मतलब मैं गिर गई उसके बाद मेरे पैर पे काफ़ी स्वेलिंग हो गई। तो फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप NPCC भी कराओ, आपके जॉइंट पेन भी हैं और ये भी स्वेलिंग ठीक नहीं हो रही, तो वो काफ़ी हाई आया तो आपने कहाँ का एक ट्रीटमेंट कराया? मैंने ज़्यादा एलोपैथी ही ट्रीटमेंट कराया, उसमें मेथोट्रेक्सेट भी आ जाती है, HCU भी आ जाती है, तो मैं ऑलमोस्ट 1 year तक वो लेती थी। और उसमें ये था कि मुझे टेम्परेरी रिलीफ तो मिल गया कि मेरे जॉइंट पेन्स कम होनी शुरू हो गई, मुझे लगा कि बॉडी ठीक हो रही है। बट बीच में जैसे सडनली वेदर चेंज हुआ है या मैंने कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया या ज़्यादा वर्क कर लिया, तो स्टिफनेस वहीं की वहीं वापस वैसे, मतलब मेडिसिन लेते हुए भी पूरा रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो अगर मैंने कोई भारी चीज़ पकड़नी है तो मैं उठा नहीं पा रही थी, चलना मुश्किल हो रहा था, सीढ़ियाँ चढ़नियाँ मुश्किल हो जाती हैं ऐसे। तो फिर मुझे आपका इधर का पता चला, मतलब आयुर्वेदिक का, तो मुझे पहले तो इतनी नॉलेज ही नहीं थी भी आयुर्वेदिक में कैसा ट्रीटमेंट होगा या क्या होगा। पर जब आपने मुझे ट्रीटमेंट शुरू किया और मेथोट्रेक्सेट खाने से मेरा ये हो रहा था, मेरे पेट में ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब मैंने कुछ भी खाना मुझे ऐसे बैठना पड़ता था कि वो डाउन जाए खाना तो फिर मैं नेक्स्ट खा सकती, मतलब एक चपाती एट अ स्ट्रेच भी नहीं खाई जाती थी। फिर जब आपने मुझे मेडिसिन शुरू की तो उसके आफ्टर 3 to 4 days ही मुझे जॉइंट पेन्स का काफ़ी रिलीफ मिल गया, मतलब पेट वाला प्रॉब्लम तो चल रहा था पर जो जॉइंट पेन्स थे, स्टिफनेस थी, मेरे से कुछ उठाया ही नहीं जाता था ज़्यादा, वो काफ़ी फर्क पड़ गया। तो उसके बाद डॉक्टर कीरत ने मेरा जो पंचकर्मा का किया ट्रीटमेंट, वो 3 sittings के बाद, अब 1 month ऑलमोस्ट हो गया, मुझे वो ब्लोटिंग की या जो मेरा मुझे लगता था कि खाने के बाद हजम ही नहीं हो रहा है वो प्रॉब्लम अब बिल्कुल ठीक है, अब जो जॉइंट्स पेन है वो खत्म वो है, नहीं है, नहीं है, अब मतलब बिल्कुल ठीक और है। ऑलमोस्ट कह लो निग्लिजिबल के आसपास है, लाइक हो गई, जैसे मुझे कभी होती नहीं है ज़्यादा या रेडनेस हो जाती थी अब कोई वो भी एलोपैथी नहीं दवाई तो नहीं है। खा नहीं नहीं रहे? वो मैंने सारी छोड़ दी, सारी वो छोड़ कोई दी। ना, उसका तो मुझे लगा कि वो खा के एक तो पूरा रिलीफ ही नहीं मिल रहा है, सेकेंडली मेरे पेट की नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मे बी मतलब वो डाइजेशन खराब हो रही थी या क्या हो रहा था। तो अब मैं एलोपैथिक तो बिल्कुल नहीं ले रही, पर इसके साथ आपकी मेडिसिन जो मैंने ली है और जैसे वो डॉक्टर साहब ने गाइड किया कि खाने में ये चेंजेस करनी है और वो पंचकर्मा का ये ध्यान रखना है, तो उससे मेरा कह लो कि मेरी बॉडी अब मेरे हिसाब से ठीक है। अब लोगों को दिव्य आयुर्वेद पंचकर्मा सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों को आयुर्वेदिक की नॉलेज ही नहीं है, इसलिए उनका फेथ नहीं है कि आयुर्वेदिक ऐसे ऐसे डिजीजेस को ठीक कर सकता है और इतनी जल्दी ठीक कर सकता है। बिकॉज मैं जब आपके पास आई थी तो मेरा इतना नहीं था फेथ, मैं आपको मिली मुझे लगा अच्छा चलो ट्राई करके देख लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले ना बहुत सारी रेमेडीज खुद कर लेती थी कि गर्म पानी पीना है, पैरों पे मसाज कर ली, मतलब ऐसे, बट कोई इतना रिलीफ को टेम्परेरी था, 2-4 दिन ठीक हुआ फिर वही हो गया। पर जैसे जैसे आपने मुझे गाइड किया डॉक्टर रितेश ने, जैसे खाने की चेंजेस बताई, पानी पीने का तरीका बताया, तो उनसे ये मुझे पता चला कि आयुर्वेदिक इतना स्ट्रांग है कि ये 5 या 6 दिन में भी इतनी सिवियर प्रॉब्लम को रिलीफ दे सकता है, जो जनरली नहीं था मुझे पता, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और सेकेंडली जो उन्होंने पंचकर्मा किया है तो दैट इज सरप्राइज, पेट की प्रॉब्लम जो 2 साल से नहीं ठीक है वो 3 पंचकर्मा से ठीक हो गई है। मतलब एकदम मैं हाथ लगा के देखती हूँ अच्छा मेरा पेट ठीक है, तो मतलब मैं खा रही हूँ तो मैं ऐसे बैठ नहीं रही हूँ, मैं ठीक बैठी हुई हूँ, मुझे हजम ठीक हो रहा है। तो आयुर्वेदिक पावर जो है ना वो आपको हाईलाइट करनी चाहिए मेरे अनुसार, बिकॉज अगर आप हाईलाइट नहीं करोगे तो लोगों को जनरली पता ही नहीं है कि आयुर्वेदिक क्या क्या प्रॉब्लम्स को कितनी फटाफट डील कर, लोग इसको जब सोचते हैं बड़ी लॉन्ग थेरेपी है, 6 महीने खाओगे फिर शायद ऐसा होगा, और ये मेरा तो डेज में इफेक्ट आया। ये सभी क्या सही, मतलब बात ये ना कि पता ही नहीं है, अब मैं तो ट्राई किया तो मेरे को पता है कि ये हुआ चेंज, जनरली किसी नहीं नहीं आयुर्वेदिक कितनी भी छेती करता है। द पॉइंट इज दिस कि अवेयरनेस नहीं है, लोग झूठे ही शिरोधारा शायद कर देते हैं, एग्जैक्ट मेथड ही नहीं पता है, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट डायग्नोज ही नहीं करना आता है कि ये पेशेंट आया तो उसका डायग्नोज करना क्या है। तो यू एंड डॉक्टर रितेश वी हैव वेरी गुड टीम, तो यू शुड मेक इट मोर पब्लिक कि लोगों को अवेयरनेस हो कि आप क्या कर सकते हो। थैंक यू वेरी ओके थैंक यू।